मिठू माने तोता सुवा हाँ सुवा सुवा बोलते हैं छत्तीसगढ़ सुवा नृत्य हो रहा है और सुवा लोग को ऊपर रख करके टोकरी में देखिए यहाँ सिर पे ऊपर रखा हुआ है देखिए जरे आप घूम करके देख सकते हैं और ये लोग अपना ऐसे ऐसे कर करके और सर्कल में सब लोग एक दूसरे के हाथ मिला के कोई ऐसे करके ऐसे करके ठीक है ना ऐसे ऐसे डांस करते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। यहाँ बच्चे एक पीपल वगैरह का पेड़ होता है उसपे अपने बस वो लगा के झूला लगा के झूला वगैरह झूल रहे हैं खेल रहे हैं अपने अपने में मस्ती कर रहे हैं। ये दादी अम्मा जी हमारे यहाँ चावल चुन रही हैं, चावल चुन रही हैं, उनमें से छोटे छोटे चुन चुन के ऐसे ऐसे चुन चुन के कंकड़ कंकड़ होते हैं चावलों में छोटे छोटे वो निकाल रहे हैं। चलिए इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। आइए ये यहाँ का छोटा सा दृश्य है। ये यहाँ का वो होता है खिड़की, खिड़की थोड़ा अलग ही डिजाइन के बनाए होते हैं आप देख सकते हैं। और जिसको देवी चढ़ती है वो खुद को ऐसे नहीं हंटर से मारता है और इनको देखिए अपनी जीभ में वो त्रिशूल घुसा रहा है। ये क्या की बात होता है पूजा होता है ना तो देवी देवी हाँ होली के टाइम पे कुछ उनका रहता ना बस्तर नौमी हाँ हाँ ये उसके पे होता है ये तो फिर सरगुजा का है बस्तर का यहाँ भी होता है ना हम लोग के घर साइड भी होता है। पूरा एक अब यहाँ तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ माता जी हैं गांव माता हैं अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं और आपको खाना खा के चाहिए रोटी बन रहा है। आइए देखिए भाई हम नहीं थे बेडरूम है अच्छे लोग यहाँ के गांव में रोटी बनते हैं और ये खाना खा रहे हैं है इसको ऐसे नहीं पलटते उसके लिए वो लगता है बोला की आटा का दाम ज्यादा हो गया इसलिए सॉरी। तो हमें क्या भाई उधर आपके लिए भी अरे भाई ये होता कहाँ है कुछ नहीं कर पाओगे अरे कर तो बहुत कुछ लेंगे। अच्छा ऐसा था वही तो कर रहे थे चलो जाए मोटा भाई आ जाता है लकड़ी देखो अभी उसका भी कोई छूना नहीं ना देखो तोड़ देते हो मेरा पानी एकदम सेम ऐसा घर है ना मेरे घर वाले बगल में जैसा नाचपुर से बन गया एकदम सेम ऐसा ही बना हुआ था चारों तरफ से। मूर्ति घर देख रहे हो यहाँ पे जैसे किसी के पड़ी जाते हो तो पहले मिलता है कुआ है ना वहाँ पे ना कल गड़ा हुआ है ठीक है मेरा कल ये साइड में है इससे चौड़ा है मेरा ये है ना ये चौड़ा है अभी रूम इस तरह से बीच में आंगन हो गया मेरा भी इसी तरह से बना हुआ है उस साइड में बाथरूम है फिर पानी में बना इधर देखो पार्क में आ रहे हैं शादी में भाई तो ये पाके नाच रहे हैं हम लोग क्या ऐसे नाचते हैं ठीक है ये अपना इसको बोलते हैं गड़वा बाजा ठीक है जो है रहता है ढिचुम ढिचुम बजाता है इसको हम लोग कहते हैं गड़वा बाजा यहाँ का आइए इसको बोलते हैं ये भी आगे थी ठीक है ये भी गड़वा का ही है ऐसे ऐसे पहन पहन के नाच रहे हैं इधर से आते जाइए ये भी वही है ठीक है ये आपस में नृत्य कर रही है
दिख रहा है आपको ये बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ये ढोलक है, ढोल ढोल पहन के यानी कि नाचते हैं और गाते हैं और ये खूब मजे करते हैं, ढोलक को पहन के बजाते हैं भाई, नाचते नहीं, ये शादी किसकी, अच्छा इनकी बोल रहे हो ना, मैं सोचा मेरी मेरी तो हुई नहीं है यार, हुई क्या, हुई नहीं कोई होने वाले हैं, बस मैं करता हूं अंदर आ गया, अरे अरे इधर इधर है भाई, हम तो जा गए थे देखो हम लोग के यहाँ भी कोई भी लोग मैं थोड़ी जानती नहीं तो मैं गांव गई थी मतलब भाई इधर से खींचो अरे इधर से खींचो इधर देखो यार इधर इधर लो भाई ये देखो अरे गधा माड़िया नृत्य गला देख रहे हो ये यहाँ का लोकल नृत्य जैसे पटवाड़ी में हम लोग करते हैं ऐसा ही क्या ऐसे रख लेते हैं फिर चलो मैं खाना है भाई ये बज नहीं रहा है ये जो है यहाँ ढोलक बजा करके नृत्य करते हैं, जैसे इनके पति लोग यहाँ ढोलक बजा रहे हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं सामने ये महिला लोग नृत्य कर रही है, जैसे हम तो गांव का नाम है ना नृत्य करते हुए यहाँ प्रदर्शन हैं, जैसे यहाँ का लोकल नृत्य है ठीक है, और आप देख रहे हो जैसे ये महिला अभी कर रही है, आप देख रहे हो